पांचवी से लगा करके क्लास वन तक के कई सारे अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियों का एक कार्यक्रम रखा है और ये नए परिवार में आने वाले हमारे नई संभावनाओं को लेकर आने वाले सारे के सारे युवागण है, इन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इनके भरोसे से प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी उड़ान हासिल करेगा। और इतने ही नहीं, हम सब देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। मैं आने वाले सभी मित्रों से जरूर कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर के बदलते दौर के इस भारत के साथ जी रहे हैं और बदलते दौर के भारत में कितनी तेजी से कई सारे मामलों में हम पूरा देश माननीय मोदी जी ने बदला है और उसके आधार पर दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर बन के आई है। आप सब भी वो अपनी नई सर्विस जब ज्वाइन कर रहे हैं तो इस बात का मन मस्तिष्क में धारण करें, नई तकनीक सदैव मददकारी होती है, नया नवाचार ये हमारे मन को सुकून भी देता और व्यवस्थाओं में मददगार भी होता है। और यही कारण है कि कई चुनौतियों में भारत में अभी वर्तमान में अपनी आंखों के सामने कई निर्णय हुए हैं। कोविड के काल में लगाए गए टीकों का हिसाब रखना, ये दुनिया के सामने आज भी आश्चर्य कि भारत जैसा इतना विविधता वाला देश, इतना विशाल देश और इतनी बड़ी आबादी, कितना एक्यूरेट हिसाब रखा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का अभिनंदन। जिसकी जिस डेट में टीका लगना है, कोई पहले पहुंच जाए तो बता देते थे, कोई कहीं गांव देहात शहर कहीं भी हो, कितना बारीक हिसाब उनने रखवाया। और कहीं चूक रहा तो बाकायदा सूचना आ जाती, भैया आपका टीके का टाइम आ गया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े अपने आप को उन्नतशील देश माने जाते हैं, वहां ये सब नहीं हुआ, लेकिन हमारे जैसे देश में हो गया, जो कई मामलों में लोगों के लिए बहुत घोर आश्चर्य का विषय। और एक ये नहीं, नोटबंदी के बाद, तालाबंदी के बाद व्यवस्थाओं का संचालन जिस प्रकार से किया गया, वाकई ये हमारे लिए, अपने लिए सरकार के बूते पर समाज के सहयोग से अद्वितीय काम हुए और ये इस कामों का क्रम जारी रहना चाहिए। आने वाले समय में आज के अवसर पर जब अपने यहाँ केन बेतवा और पार्वती काली सिंह, अब बताइए पूरे प्रदेश के अंदर, वाकई ये परमात्मा का वरदान है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में हजारों हजार साल से, जब से पृथ्वी अवतरित हुई होगी तब से ये नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी बनकर के सबके बीच अपना मार्ग तय कर रही। जैसे हृदय के साथ हमारी रक्त वाहिनियां, धमनियां पूरे शहर को जीवंत, पूरे शरीर को जीवंत रखती है, ऐसे ही किसी भी भूभाग पर नदियां उसकी रक्त वाहिनियों की तरह अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती। ऐसे में हमारा शरीर पुष्ट हो, इसलिए हम अपने पराक्रम से, अपने योगासन से, अपने शरीर साधना से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और सरकार यत्न प्रयत्न करके माननीय मोदी जी के उस संकल्प के माध्यम से, तो और धन्यवाद है। हमारे अपने किसान बंधु क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए पहले जो छोटे संसाधन थे उनसे चलते थे, अब बदलते दौर में सिंचाई के तरीके बदले और बड़े बांध बना करके नहरों के माध्यम से सिंचाई हुई। नदियों में देखो कौन सी नदी छूटी, हमारे जीवनदायिनी माँ नर्मदा ने पूरा नर्मदा वैली को तो आनंद में किया है, लेकिन वो अपना मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगा के महाराष्ट्र गुजरात तक का हिस्सा था, लेकिन ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, ये दोनों योजनाएं, जब दोनों योजना पूरी हो जाएगी तो वाकई लगेगा कि ये अपना प्रदेश है क्या। कहाँ हमारा बुंदेलखंड का इलाका, जो बहादुरी वीरता प्राणों के उत्सर्ग करने के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मैदान के अंदर पर उनके जीवन में जो आसपास में ग्रामीण जो निवास करते हैं, जो शहर है आबादी की इंतजार करते हैं, वहां जल की क्या स्थिति है। आज मुझे इस बात का गर्व है, ये केन बेतवा नदी योजना जो विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो योजना है, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय करेगा।
जिस बुंदेलखंड ने मुगलों के काल में भी अपने उन्नत मस्तक को झुकने नहीं दिया, जिस बुंदेलखंड की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को देखने के लिए, खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है, वो आखिर पिछड़ा था केवल जल के कारण से। और बेतवा बह रही, केन बह रही, लेकिन उनके बहते हुए पानी का उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा था। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। ये जो संकल्प है, ये इच्छा शक्ति का परिणाम होता है। मैं अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये बड़ा निर्णय हुआ। एक और, इसके अलावा दूसरा हिस्सा, चंबल का बीहड़, डकैत की समस्या, दूसरी परेशानियां। लेकिन जब मैं पिछले समय सिंचाई विभाग की बैठक में था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा। चंबल के हमारे बेल्ट में नहरों के माध्यम से पानी की जो उपलब्धता है, घोर आश्चर्य लगा भाई साहब कि वो अपने यहां बाकी जगह जैसे उज्जैन वहां 7%, लेकिन चंबल के बेल्ट में पानी 90% नहरों से पानी दे रहे हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा हमारे यहाँ तो 7% है, तुमने कहा नहीं, आप में अंतर है, आप ट्यूबवेल से देते हो, आपने मोटर पंप से देते हो, ये सिंचाई के विभाग के माध्यम से इरिगेटेड होती है, ये उसकी स्केल है और वो स्केल हमको गौरवान्वित करती है। अब जब पानी मिल गया तो हमारी आदि ऊपर तो फोर्स की परेशानी वैसे खत्म हो गई। ये जो हमारे झगड़े होते, डकैती होती, दूसरी परेशानी होती है, जो लिमिटेड है उसको पाने के लिए सब तरह के संकट आते हैं, लेकिन जब पूरा आनंद से आप इतना इरिगेटेड एरिया कर दोगे तो वाकई बदलाव आएगा, निश्चित बदलाव आएगा। और अभी और कम पड़ रहा है तो पार्वती कालीसिंह चंबल योजना के माध्यम से कितनी 70,000 करोड़ की योजना, जिसमें 35,000 करोड़ हमको मिलेंगे, उसमें हमारा मालवा भी, चंबल भी, बीहड़ भी, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, यहाँ तक कि हमारा कुछ हिस्सा इधर का राजगढ़ से होता हुआ मालवा का पूरा बेल्ट, आगर, उज्जैन, इंदौर, इरिगेशन भी और पीने का पानी भी, हर घर जल, हर नल जल, ये जो अपनी कल्पना है ये वाकई में बड़ी, बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के माध्यम से, और सरकार, माननीय केंद्र सरकार कितना देती है, 90% हमारी अपनी इन योजनाओं का, 35,000 करोड़ में से मध्य प्रदेश सरकार को केवल 10% मिलाना है और 90% सरकार देगी। इधर आपके यहाँ 85,000 करोड़ की योजना है केन बेतवा, अपने को कितना मिल रहा है, 37,000 करोड़, और 37,000 करोड़ में हमको केवल 3700 करोड़ देना है, बाकी 37,000 करोड़ का 90% राशि भारत सरकार देने वाली है। और केवल पानी नहीं आएगा, जब ये हमारी बड़ी जल संरचनाएं बन जाएगी तो आजकल तो इसमें सोलर के माध्यम से बिजली, कितने प्रकार से बिजली का उत्पादन, आपने बताया 100 मेगावाट का अकेला इसी का लाभ लिया, तो ये कितने प्रकार से लाभ दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी योजना है। और उससे सबसे बड़ा काम आज के दिन, मुझे लगता है कि मेरा दिन सार्थक हो गया, अपने प्राणों की बाजी लगा करके नक्सलियों से मुकाबला करते हुए ये वीरों ने सच में रोमांच के साथ मुझे भी आज आनंद का क्षण दिया है और एहसास कराया है। नक्सलियों के क्षेत्र में जाने से मात्र से वर्तमान की उनकी दुर्दांत जो गतिविधियां चलती थी, और जिस ढंग से वो चुनौती दे दे करके पुराना रिकॉर्ड अभी तक अपन उनका देखते हैं, ऐसे कठिन माहौल में जहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, और तो ये हमारे संचार के साधन मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ चले जाते हैं, ऐसे कठिन, और इतना ही नहीं, जो इलाका है वो शुद्ध सघन वन का, वन वाला इलाका है, जब टाइगर फॉरेस्ट और क्या क्या है वहाँ पर, कोई जरूरी नहीं कि नक्सलवादी से ही मुकाबला होगा, सामने आपके चीता आ जाएगा, भालू आ जाएगा, कोई भी वन्य जीव आ जाएगा। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने अपनी ड्यूटी जो की है,
और ड्यूटी करके जो प्रमाण दिए हमको आपके फीते लगाते हुए, सदैव गर्व होगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारी अगर ये जो सुरक्षा व्यवस्था है इनकी संख्या बल को तो देखें, कितनी संख्या और कितना बड़ा काम करते हैं। पूरे प्रदेश की 8.5 करोड़ आबादी, और अगर देश का हिसाब लगाओ तो देश में 142 करोड़ की आबादी, हम कितने ही धन कमा लें, कितने समृद्धशाली हो जाएं। अतीत का दुर्भाग्य यही तो था, भारत ने धन कमाने में अपनी योग्यता प्रतिभा से सदैव अपना कदम आगे बढ़ाया और दुनिया में पहचान पाई है। लेकिन कमजोर कहाँ पड़े, हमारी सीमाओं पे हमारी सेनाओं के माध्यम से जब जब भारत कमजोर हुआ तब तक विदेशियों ने हमको गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के ना केवल हमको लूटा धन ले गए बल्कि वो हमारी सभ्यता संस्कृति को भी नष्ट करने में लग गए। लेकिन आपके भरोसे से ये देश महफूज है, पूरा देश और देश की रक्षा करने वाली सेना की संख्या भले ही केवल 13.5 लाख है, लेकिन 13.5 लाख की सेना कैसी काम करती है हमको मालूम है, नेतृत्वकर्ता पे डिपेंड करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व दुनिया में जिस प्रकार से पूजा जा रहा हमको भी गर्व होता है। अब पाकिस्तान के बाप की ताकत नहीं है कि वो आंख दिखा ले, घर में घुस के मारने का मादा अगर कोई रखता तो हमारा देश का सैन्य बल रखता। गए जमाने, बंबई में बम फोड़ेंगे, दिल्ली में बम फोड़ेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहां कर दोगे तुम? बाकी तो छोड़ो, तुम बॉर्डर पे भी कुछ नहीं कर सकते हो, बॉर्डर पे भी बम फूटना बंद हो गए, बॉर्डर के बाहर भी। पाक अधिकृत कश्मीर वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि कोई नेता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसा होगा, हम भी चाहते कि भारत में मिला लो, कहां भूखे नंगे में पटक दिया आज वो वहां के लोग कह रहे हैं। और अभिनंदन क्या करने गया था, एयर स्ट्राइक याद है हमको, मूछ वाले हमारे घर के अंदर दुश्मनों ने आके आक्रमण किया था, तो हम उनके घर में जाके भी मारेंगे, और घर में जाके मारते मारते अगर भूले भटके हमारा जवान गिर भी जाए तो गए जमाने कि वो हमारे बॉर्डर से बॉर्डर के अंदर घुस के हमारे सैनिक जवान की गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे, ये तो कल्पना ही करना मुश्किल है। हमारा आदमी बम गिराने भी जाए और वो भूल से गिर जाए तो वो चाय पिला करके दिन भर दिखाते रहिए, देखो आपके आदमी को कुछ नहीं करा, एक झापट नहीं मारा, ये आप हमसे बात कर लो, बात कर लो, कोई बात नहीं, हमारा आदमी हमको दो, आपके आतंकवादियों ने हमको मार, हमारे लोगों को मारा, सोए हुए लोगों को मारा, हम आपके आतंकवादियों को मार रहे, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं, इसलिए आपसे बात क्यों कर ले, आप कौन हो बीच में? और अगर आप बात करना चाहते हो तो आपसे कहेंगे कि आप उनसे मिले वो, और अगर मिले वो तो हम आपको पहले मारेंगे बाद में बात करेंगे, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशभक्ति के लिए हमारे देश के नागरिकों की जान सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, हमारे देश की सेना की रक्षा करना, देश के सैनिकों के जीवन के बारे में चिंता करना, ये भारत सरकार का निर्णय है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है ऐसे निर्णयों से ही हमारे देशवासियों का गर्व और हमारी संस्कृति दुनिया में अलग ढंग से जानी जाती है। आज के इस अवसर पर हमारे नक्सलवादी अभियान के माध्यम से आउट ऑफ टर्न देने का प्रमोशन, आप चिंता मत करो, केवल वो नहीं और भी जहां जहां जवान जो भी अब इस प्रकार से काम करेगा।